पे हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं रैंकल 2.0 की, तो देखते हैं कैसा होता है। हम यहाँ पे हर एक घर या हर एक जगह जाने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले हम जाएंगे लिपवो का, लिपवो का से मिलता पावर भी एक बार चेक कर देते हैं क्या यहाँ पे शायद। चलो देखते हैं पहले ग्लास हाउस में क्या सीन है। ग्लास हाउस जो ये हाउस होता है वो कैसे बना है। अगर इसमें देखे तो कुछ ज़्यादा सीन हुआ नहीं है इसमें, बस थोड़ी बहुत पेंटिंग चेंज हुई है, कलर चेंज हुआ, लेकिन कुछ और चेंज होकर दिखा नहीं। हाउसेस की बात करें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है। इस पे एक नया टैंक आ गया। एक सेकंड गाइस, साइरो ऑन करने दो। इस पे कुछ नया आया है। ओके, सिर्फ अंदर का नया, बाहर का ही, अंदर बाहर का ही कुछ नया आया, अंदर कुछ नया आया नहीं है। देखते यहाँ पे हर एक हाउस की, ये हाउस देखते इसमें का तो सीन है। गाइस इसमें मेरी सेंसिटिविटी बहुत खराब है, इसलिए ये हो रहा है। जायरो भी मैंने अभी ऑन किया। अगर आप बात करें तो अब चलो ढूंढते एक गाड़ी, फिर चलते। इस हाउस पे भी कुछ नया आया। ये हाउस कुछ नया तो नहीं है, पुराना ही है, लेकिन कुछ नया इवेंट जरूर डाला है। इसके ऊपर भी हम सकते थे, एक अच्छी कैंपिंग जगह भी हम बोल सकते, या एक अच्छा यहाँ से व्यू भी मिल रहा है। और गाइस अगर आप बात करें तो आपकी लॉबी भी चेंज होने वाली है। लॉबी में आपको इस मैच के बाद बताऊंगा लॉबी में क्या दिक्कत है, मतलब क्या चेंज हुआ है उसमें। ग्लोबल वर्जन में ये आ जाएगा करीबन इस सीजन के बाद, आने की चांसेस तो बहुत है। लेट्स सी कब आता है। हेलो ब्रो, व्हाट्सएप व्हाट्सएप। गाड़ी यहाँ पे हमें नहीं मिल रही यार। गैस इस मैच में मिल्टा पावर देख लेंगे, शेल्टर मिल्टा गुस्से, इसे पूरे एंगल्स में देख लेंगे। फिर ये मैच मैं क्विट कर दूंगा और फिर अगले मैच में हम जाएंगे मिलिट्री बेस। ओके, बाइक हमें मिल चुकी है। तो गैस एक बार कमेंट में ज़रूर या चैट में ज़रूर बताओ क्या मैं अभी मिल्टा जाऊँ या मिलिट्री बेस देखना चाहते हो। हाय ब्रो, व्हाट्सएप ब्रो, एक बार प्रेजेंट का भी देख लेते थे। एक बार प्रेजेंट देख लेते, प्रेजेंट के बाद अगर आप जो बोलोगे वहां पे जाएंगे।
तगड़ी हमारी लैंडिंग है। अगर बात करें वेयर हाउस की तो प्रिजन के वेयर हाउस कुछ अलग ही है। यहाँ पे अगर आप देखो तो हर एक पे नंबर डाला हुआ है, 10 10 10, इस पे सब में 10 ही है। सब में 10 ही है, लेकिन वेयर हाउस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा वेयर हाउस मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पे कैंपिंग के लिए बहुत जगह है, अगर आप इस पे भी कैंप कर सकते हो। मुझे लगता है इस पे कोई ना कोई तो वीडियो आ ही जाएगा कि वेयर हाउस पे कैसे जाए, बहुत ही जल्द आ जाएगा कि उस वेयर हाउस पे कैसे जाए। हमारी टीम भी ट्राई कर रही है, ऐसे कोई टिप्स और ट्रिक्स बताए। गाइस एक टिप ऑलरेडी आ चुकी है, वो मैं आपको बता दूंगा। किसी स्क्वाड हाउस में जब हम जाएंगे वो ट्रिक आपको मैं बता दूंगा कि वो ट्रिक कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप वॉच टावर की बात करें तो प्रिजन के जो पहले वॉच टावर होते थे वो अब चेंज कर दिए, अब पूरे चेंज कर दिए गए। वेयर हाउस तो हो गया, अब चलते हैं प्रिजन के मेन बिल्डिंग के पास। और प्रिजन के मेन बिल्डिंग के पास जो और एक ये है वो भी देखेंगे। ये भी थोड़ा चेंज हो गया, हालांकि पूरा चेंज हो गया, प्रिजन भी एक बहुत ज़्यादा इन्होंने चेंज कर दिया है। एक अच्छा अपडेट मुझे दिख रहा है, देखते हैं कैसे सीन है। प्रिजन की बिल्डिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स चेंज किया और थोड़ी बहुत कलरिंग चेंज कर दिए गए। उनके प्रिजन का यहाँ पे एक अलग ही उन्होंने लेआउट बना दिया। पहले ये वॉल जो थी वो नहीं होती थी, लेकिन अब ये वॉल भी आ चुके, तो यहाँ पे अच्छा एक टीपी भी ले सकते हैं और अंदर भी आप अच्छा एक टीपी भी ले सकते हैं मेरे ख्याल से। यहाँ पे भी एक अच्छा टीपी भी आप ले सकते हो। चलो चलते हैं दूसरे, सब बिल्डिंग पूरी बिल्डिंग तो अब सेम ही होगी। टेरेस पे जाते देखते हैं टेरेस पे कैसे सीन है। टेरेस तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पहले जैसे ही है, क्या इस पे हम चढ़ सकते हैं? इस पे भी हम चढ़ सकते हैं। पहले गाइस एक ट्रिक होती थी कि आप यहाँ से वेरोस पे चढ़ सकते थे, लेकिन अब वेरोस बहुत ही ज्यादा दूर हो चुका, तो आई थिंक वो ट्रिक अब यूज नहीं हो सकेगी। ऐसे नीचे कूद नहीं सकता। अब चलो देखते हैं ये जो बिल्डिंग में बात कर रहा था उस बिल्डिंग में कैसा सीन है। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा एक तगड़ी बिल्डिंग में इन्होंने सेट किया है। देखो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक ओपन भी है, लेकिन यहाँ पे पीछे से यहाँ से मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप टीपी भी लेते तो शायद फंस जाते हो। लेकिन चलते इस बिल्डिंग के ऊपर, यहाँ पे एक टीपी भी स्पॉट हो सकता है। ये जो शानोक की बिल्डिंग है करीबन उसी के जैसे ही हो इन्होंने बना दिया या, लेकिन यहाँ पे टीपीपी अगर आपको लेनी ही है तो आप यहाँ से बहुत अच्छा एक टीपीपी ले सकते हो, पीछे से आपसे आपको कहाँ पे भी नहीं पड़ेगी। शैक की बात करें तो शैक तो नॉर्मल जैसे हर बार रहता है वैसे ही है। ऊपर की बिल्डिंग में क्या चेंजेस है चलो जाके एक बार वो देख लेते हैं। हेलो विघ्नेश, हाउ आर यू ब्रो? इधर भी इन्होंने कुछ ऊपर जाने का, जैसे एक मिलिट्री बेस में वो ऑप्शन था। और ये घर मुझे लगता है किसी और मैप में भी ज़रूर है, शायद शैनक में ऐसा मैप नहीं, शैनक नहीं, मीरामार में ऐसा ज़रूर एक घर बनाया और उसी उसी घर का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कॉपी कर दिया। अरे भाई साहब, ओके टीपीपी मास्टर, ठीक है तो चलते एक बार इस घर की तरफ और देखते इस घर में कैसा सीन है। यहाँ से तो हम जा सकते हैं। आई एम फाइन ब्रो। और यहाँ पे ट्रिपल साइड का यहाँ पे है या डबल साइड वो देखना पड़ेगा। सिर्फ डबल साइड में आप ऊपर जा सकते हैं। एक अच्छा ये भी घर है, अगर कोई स्क्वाड अगर स्क्वाड रश होती है तो एक अच्छा डिफेंडिंग कर हो सकता है। वॉच टावर जो दूसरे वॉच टावर के जैसे ही है, कुछ नया इस वॉच टावर में है नहीं, तो यहाँ से चलते।
तो गाइस अब यहाँ पे यहाँ से हम जाएंगे, अब तो कहाँ पे भी नहीं जा सकते, एक बार मिल्टा चले जाएंगे, फिर ये गेम क्विट करके हम जाएंगे यासनापुली। ए यासनापुली क्या, शेल्टर भी हम देख सकते हैं, लेकिन जोन के बाहर है, इस कौन से जोन नहीं है, अभी फर्स्ट जोन नहीं बना है तो हम जा भी सकते हैं। शेल्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे सेम ही है, कुछ सिर्फ कलर चेंज किया हुआ है, कलर तो ऑब्वियसली चेंज करेंगे, लेकिन अंदर भी बहुत ज़्यादा एक तगड़ा बना दिया इन्होंने, एक जैसे एक वेयर हाउस होता है वैसे ही बनाया, बहुत ही अच्छा कवर्स यहाँ पे रखे गए, बहुत ही अच्छा ये अपडेट मैं बोलूँगा शेल्टर के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टीपी टूपी जगह, यहाँ पे अगर शेल्टर पे आप रश करते हो तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप कैंप करना चाहते हो तो शेल्टर एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन बन सकता है आपके लिए। अब चलते दूसरे, मुझे लगता है पूरा अब तो सेम ही होगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस डालेंगे नहीं है, ओके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा अपडेट मैं बोलूँगा इस शेल्टर का। अब बस चलते हैं दूसरी बिल्डिंग्स की तरफ, अब हम जाएंगे पोचिंग की, एक बार चले जाते हैं पोचिंग की में कैसा सीन है वो देख कि हम क्विट कर देंगे। तो गाइज ये क्विट कर देते हैं, मुझे यहाँ पे परेशान। तो गाइज अब जाएंगे मिलिट्री बेस, लेकिन यहाँ पे गाइज अगर आपको ये स्ट्रीम अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और एरेंगल 2.0 का रिव्यूज हमको जरूर बताना। देखते हैं अब चलते मिलिट्री बेस और नोवो के बाद, फिर इसके बाद हम स्ट्रीम बंद कर देंगे, क्योंकि रोजॉक पोचिंग की और दूसरी जगह को हम लोगों ने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया अपने चैनल पे, अगर आपने वो नहीं देखा तो जरूर देखना, लास्ट पोस्ट हमारा वही रहेगा। तो चलो एक बार हम चले जाते हैं नोवो और मिलिट्री बेस। अरे भाई साहब, कोचिंग कैसे हम ले लेंगे अपनी व्हीकल,
वैसे अगर लॉबी की बात करें तो लॉबी में भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ गया। गाइस कोचिंग के से ले या स्कूल के वहाँ से भी ले सकते। चलो स्कूल के वहाँ से भी। गाइस जरूर बताना आपको ये स्ट्रीम कैसी लगी, और एरंगल 2.0 की साइड में आपको कैसा रिव्यू वो देखते हैं। अगर बात करें ग्राफिक्स की, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्राफिक है, और अगर आप बात करें कॉम्पिटेटिव इस मैप में तो बहुत ही ज़्यादा सही है। अगर बंदों को कैंप करके कॉम्पिटेटिव खेलना तो ये बहुत ही ज़्यादा सही है, और अगर बंदे लोग चाहते हैं कि रश करें तो बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव हो गया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कवर बना दिया इस अपडेट्स में। अगर आप देखो तो हर एक जगह आपको अच्छा एक कवर मिल जाता है, या अच्छा एक कहा गया। ओपी ब्रो, जी ब्रो ओपी तो जरूर है। ओके इस एरिया की बात करते तो गाइस अगर आप देखो तो बहुत ही ज्यादा कम ग्रासेस आपको दिख रहे हैं, शायद अच्छी कटिंग करा दिया। लेकिन जिस एरिया में ग्रासेस है, अब देखो यहाँ पे एक अच्छा कवर भी और अच्छा ग्रास भी है। कार कहाँ से मिलेगी भाई? और वैसे मुझे लगता है इस मैप में नोवो और जोजो की जो लूट है वो वापस आ गई है। मुझे अभी पक्का पक्का नहीं बताया, लेकिन हम जल्दी आपको अपडेट कर देंगे कि कैसे हुआ सीन। अब चलते हैं अपने मिलिट्री बेस की तरफ। स्कूल का तो आपको हमने बता ही दिया था पहले ही इस पहले वाली वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके आप लास्ट वीडियो देख सकते हो कैसा सीन है उसमें। ओके तो इसमें भी आप इजीली अपनी गाड़ी ला सकते थे, पहले थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, अब वो मेहनत है नहीं। और गाइस इसी के बीच हम आपको ब्रिज भी दिखाएंगे, क्योंकि ब्रिज बीच में आ जाएगा। अगर आपको इस जगह पे बोर मारा तो आप थोड़े 10-15 सेकेंड से आप स्किप कर दो, क्योंकि इस जगह में आपको नहीं। लेकिन जो ब्रिज है वो आ चुका है, तो अब ब्रिज देख ही लो। तो गाइस ब्रिज बहुत ही ज़्यादा छोटा बना दिया इन्होंने, ऊपर से जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा बन चुका है, लेकिन ब्रिज के यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक इन्होंने क्लियर व्यू रखा है, और कुछ ज़्यादा स्ट्रक्चर्स भी ऐड नहीं किया। लेकिन यहाँ पे देखो अगर ब्रिज की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने एक अच्छा रिज बना दिया है,
इस रिच से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। देखो ये कवर, ये पेट भी कवर बना देगा पीछे के लिए, और आगे के लिए तो कवर पूरा है ही। ब्रिज कैंपस के लिए बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा रहने वाला है। जो ब्रिज कैंप करते हैं उनका ब्रिज तो कोई तोड़ ही नहीं पाएगा अगर वो एक ठीक तरीके से कैंप कर दे। चलो चलते हैं अभी अपने मिलिट्री बेस पे। और अगर आप देखो तो मिलिट्री बेस में अब ब्रिजेस बहुत ही ज़्यादा बना दिया, और बहुत ही ज़्यादा ऊपर रिजेस है, कोई लो रिज तो है ही नहीं, मतलब छोटे रिजेस है ही नहीं। अपना टावर हमने दिख चुका, टावर में भी अपडेट ज़रूर दिया है कि अबे बंदा भी गया। ओके यहाँ पे टावर से नीचे नहीं जा सकते थे, पहले हम जरूर जा सकते थे लेकिन अब वो सीन है ही नहीं। ओ माय गॉड, चिल्वा जाओ। बहुत ही अच्छा यहाँ पे व्यू दिख रहा है। अगर आप मिलिट्री बेस के सी बिल्डिंग देखे तो बहुत ही एक अच्छा व्यू आपको देख रहा है, और बहुत ही अच्छा कवर्स भी है यहाँ पे। हर एक वॉल के बाद आपको कवर मिलेगी, ऊपर का व्यू भी अच्छा दिख रहा है, और इन्होंने बहुत ही अच्छा एक पेंटिंग्स भी डाले। अबे यहाँ पे गन्स भी नहीं सरेंडर होती क्या? चलो एक बार ऊपर जाके देखते हैं कैसा सीन है। यहाँ पे बंदों, बॉट ने मेरे पर अटैक तो कर दिया है, प्लान मेरे पास जरूर है। ऊपर भी एक अच्छा कवर तो इन्होंने बना दिया। अब चलते हैं दूसरे साइड, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ और भी ऐड किया है। ओके अपना एक सिंबल है, एक ये भी एक नया कुछ सिंबल ऐड किया है, और यहाँ पे कंटेनर्स भी बहुत ज़्यादा डाल दिए इन्होंने। लेकिन हाँ कुछ बन सकता है, लेकिन यह देखना पड़ेगा कि कंटेनर्स पे क्या कोई गन स्पॉन होती है या नहीं। अगर हम फैक्ट्री की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा इन्होंने बनाया फैक्ट्री के लिए। एक नया कवर भी देखने को मिला, अगर गाइस देखें तो मिलिट्री बेस में मुझे लगता है लूट बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि अभी तक मुझे एक भी गन नहीं मिली, अब चाहे यूजी मिल चुकी है, और बैरल भी मुझे किसी बॉट ने आके दी थी, कोई स्पॉट तो हुआ नहीं था अभी गन। चलो अब बात करते हैं लेबोरेटरी के लिए। लेबोरेटरी का सेम ही सीन है, सिर्फ थोड़ा उन्होंने स्ट्रक्चर चेंज, पेंट चेंज किया, स्ट्रक्चर तो वही लग रहा है, लेकिन फैक्ट्री का हाँ ज़रूर बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। या फिर लेबोरेटरी में यहाँ पे एक बेंच या चेयर रहती थी, वो भी अब नहीं है, देखते ऊपर क्या। और यहाँ पे ओपन रहता था लेकिन अब उन्होंने क्लोज कर दिया है। ये तो एक स्टैबलर में जो था वो भी सेम नहीं है। ओके फाइन, मशीन्स इन्होंने बहुत सारी डाल दी है,
इस मशीन का फायदा क्या है? तो यहाँ पे इन्होंने पूरा कवर बना दिया, ये चीज, ये जो चीज़ है वो ऑलमोस्ट सबको पता है, लेकिन यहाँ से मुझे खुदने में भी कोई हैरानी है नहीं। तो मिलिट्री बेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमने कवर कर दिया है। अब चलते हैं नोवो के साइड जोन बन चुका है, तो हमें थोड़ा जल्दी जाना पड़ सकता है। और यहाँ पे देखो रिचेस भी बहुत सही बनाया है। अब देखो जैसे बॉट मुझे मार रहा है तो मैं ये रिच का यूज़ कर, अब जाते एक बार नोवो में क्या सीन है वो देख के आते हैं। बंकर्स को कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंस कर रहे हैं नहीं है, मुझे लगा कि यहाँ पे शायद बंकर्स पे भी कवर बना दे, लेकिन वो कवर यहाँ पे मुझे दिखे नहीं। अब एक बार नोवो चाह के हम हमारा जो स्ट्रीम है वो क्लोज कर देंगे। अगर गाइस हम और भी गेम प्ले, अगर आपको नॉर्मल स्क्वाड गेम प्ले देखना है इस बेस पे, तो हम वो भी कर देंगे, लेकिन उसके लिए हमें पहले अपने चाइना वर्जन या जो बीटा वर्जन है उसमें हमारा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो भी है सब बॉट ही आ रहे। ओ भाई ये नया रिज है, ये बहुत ही अच्छा एक रिज बनाया इन्होंने। वुडन शैक की बात करें तो वुडन शैक का सिर्फ एक पेंट या कुछ और चेंज तो मुझे दिख नहीं रहा है। नोवो में भी वही सीन है जो जोजो पुल में, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने कुछ फ्लैग्स व्लैग्स डाल दिए, वो फ्लैग्स ही है और कुछ यहाँ पे मुझे अपडेट दिख नहीं रहा है। क्योंकि गाइस यहाँ पे इन्होंने जो नॉर्दर्न साइड में वो थोड़े उन्होंने ये बढ़ा दी, थोड़े कवर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे बना दिए यहाँ पे, कवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा। अगर किसी के पास गन नहीं है तो वो यहाँ पे आके अच्छे से एक अपने आप को सेव कर सकता है मुझे लगता है। और यहाँ पे अच्छा कवर बना, अगर किसी को रश या कुछ करना हो तो एक अच्छा कवर है। जो नॉर्मल ये शेल्स तो शेल्स जैसे ही है, और ये शेल्स भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस हुए नहीं है, इसको भी नॉर्मल ही रखा। तो गाइस मैं यहाँ पे अपना स्ट्रीम जो है अभी बंद कर देता हूँ। आपको आप ज़रूर बताना आपको ये अपडेट कैसा लगा है, और अपडेट अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलो गाइस तो चलो गाइस बाय बाय, आई एम एंडिंग द स्ट्रीम राइट नाउ।